हेलो दोस्तों, आज हम जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 40 लेकर आए हैं। एनटीपीसी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम में आपके लिए मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1818 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। 1818 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद में। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला है, संसद के अस्थाई समिति में से किसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं है? ये प्राकलन समिति, इसमें पूरे के पूरे लोकसभा के सदस्य रहते हैं। कोको के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? इसका आंसर हो जाएगा घना। अगला है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है या किस बार अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरियल, जो एक केरल में है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है या एक पेरियल अभ्यारण्य में है या केरल में है। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें ब्राउन एम इन, हिटलर का जन्म ब्राउन इन में हुआ था। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। कौन सा पदार्थ समान मूत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन। अगला है, भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहार बहार वन से ढका हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहार वन से ढका हुआ है? पश्चिमी घाट। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा मखाना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? 3 महीना। किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? बाजार का नाम है पूर्ण स्पर्धा। अगला है, नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा घाटी को गहरा करना। नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना। कौन से समूह की नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इन नदियों में कर्मकासा, गंडक और घाघरा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट, लंबी कूद के दौरान एकत्रित कूदने से पहले दौड़ता है ऐसा करना उसका संवेग बढ़ाता है। लंबी कूद के दौरान दौड़ने कूदने से पहले दौड़ता है उसका संवेग बढ़ाने के लिए। जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? इसका दो जगह, पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नैसडैक के बिलफोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मोहन बगान। 19 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नैसडैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब है मोहन बगान। तरान के दूसरी युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? यह है ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन का सूत्र है O3। अमोनियम क्लोराइड किस
रासायनिक सूत्र है इसका, रासायनिक सूत्र अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। अगला है, मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी और हिंदी। मसूदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी और हिंदी। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। यदि किसी वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। अगला है, वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था, जेम्स डेवर ने। वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था, जेम्स डेवर ने। कुड किस राज्य का लोक नृत्य है, यह है जम्मू और कश्मीर के। कुड एक लोक नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर के है। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1483 ईस्वी में। महिलाओं को संस्करण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, यह हो जाएगा 2001 में। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, 2001 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले मात्र नेता थे, गोविंद वल्लभ पंत। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता थे, गोविंद वल्लभ पंत। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2020 को भारत सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम परिवर्तन कर किसके नाम पर रखे जाने की मंजूरी दी है, तो इसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। 5 मार्च 2020 को भारत सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डा का नाम परिवर्तन करके छत्रपति शिवाजी संभाजी हवाई अड्डा रखा गया है। अगला है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लिक अम्ल किसमें रहता है, केंद्रक और कोशिका द्रव में। अगला है, किस पल्लव राजा ने चुनौकी सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वतापी को कौन सा खिताब हासिल किया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। आँखों को किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, यह है वर्णधनता। आँखों को किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा वर्णधनता। अगला है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, यह है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। मेंढक के दांत होते हैं हेमोटेंड, मेंढक के किसके दांत होते हैं, हेमोटेंड के बने होते हैं। दशवंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार कवि थे, यह हो जाएगा अकबर। जसवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार किस सम्राट के कवि थे, अकबर। हरियाणा में सन सिटी की स्थापना की जाएगी, वह है गुरुग्राम में। हरियाणा में सन सिटी की स्थापना की जाएगी, यह है गुरुग्राम में। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है, यह है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय ने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 137। तो आज इतने तक, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे।